डेकनी स्कूल्स ऑफ पेंटिंग। देखिए, अब हमने इसके पहले वाले उसमें हमने राजस्थानी और मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग पढ़ लिया कि राजस्थान और उस एरियाज में मध्य प्रदेश किस में डेवलप हुई, मुगल्स के अंडर जो हुई उसमें हमने मुगली मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे डेक्कनी स्कूल ऑफ पेंटिंग जो कि डेक्कन के साइड में डेवलप हुई है। तो ये जो है वो लास्टली हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं लेट 16th सेंचुरी से लेकर 1680s तक। जब मुगल्स ने डेक्कन के ऊपर कॉन्कर करा 1680 में, उसके बाद से एक डेक्कनी स्कूल ऑफ पेंटिंग है ना कहीं डिक्लाइन होने लग गया। तो भले ही वो 19th सेंचुरी तक वो कंटिन्यू हुआ अंडर असाफिया डायनेस्टी और वो हुआ, और फाइनली जो पेंटिंग्स है प्रोफेशनल कोर्ट्स ऑफ राजाज और नवाब्स के वो हैदराबाद में अंडर द निज़ाम वो फिर डेवलप होने लगे। निज़ाम के अंडर भी ये पेंटिंग्स जो है डेक्कनी स्कूल की डेवलप होने लगी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीमिस्टिफाई। और डीमिस्टिफाई चैनल पर मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़ का पूरा सिलेबस जो है वो एक्सप्लेन कर सकूँ। हमने ऑलरेडी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस कवर कर लिया है एंड नाउ आई एम विल बी कम्प्लीटिंग विद द सिलेबस ऑफ पेंटिंग एंड साइकोलॉजी वेरी सून। तो जो डेक्कनी स्टाइल है इसको हम इंडो पर्शियन आर्ट के अंडर बहुत लंबे टाइम तक प्लेस कर सकते हैं क्योंकि ये इंडो पर्शियन आर्ट की तरह ही उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है। तो कंसिडर करते हैं कि ये यू नो मिडल ईस्टर्न, सफाविद, पर्शियन, टर्किश एंड इवन मुगल इन ओरिजिन, इन सभी पेंटिंग्स के स्टाइल का यू नो इन्फ्लुएंस हमें डेक्कनी आर्ट में बहुत ईजिली देखने को मिल जाता है। आर्ट हिस्टोरियंस जो है वो इसकी यूनिकनेस जो है इसको एक्नॉलेज उसको फेल नहीं कर पाए, रिकग्नाइज नहीं कर पाए एज अ फुल फ्लेजेड स्कूल जिसको यू नो रूलर्स ने बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन करा था और उनका एक पेक्युलर पॉलिटिकल और कल्चरल विजन था। तो उन्होंने हायर करा, नर्चर आर्टिस्ट को नर्चर करा, उनको वर्क्स कमीशन करे और उनके आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज़ को इन्हेंस करा ताकि वो यू नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट्स इन देयर किंगडम्स। मतलब आप समझ रहे कि उन्होंने जो रूलर्स है डेक्कन साइड के जो रूलर्स हैं, डेक्कन रूलर्स थे, उन्होंने आर्टिस्ट को नर्चर करा, उनको पेटर्नेज दिया, उनको कमीशन दिए और इसके बाद ये जो है वो पेंटिंग्स डेवलप हो जाएं। ये जो पोर्ट्रेचर रिप्रेजेंटेशन का मतलब आर्ट जो पोर्ट्रेचर करना, किसी को पोर्ट्रे करना और हिस्टोरिकल और रिलीजियस फिगर्स का रिप्रेजेंटेशन करना, ये हम बाकी कंटेम्प्रेरी स्कूल्स में भी देखते हैं। मुगल में भी हमें पोर्ट्रेट्स मिलते हैं हिस्टोरिकल और रिलीजियस फिगर्स के पोर्ट्रेट्स वगैरह देखते हैं। मुगल पोर्ट्रेट इस सेंस में जो है वो बिल्कुल यूनिक नहीं है, ठीक है। तो ये जो यूनिक आइडिया नहीं है कि यार किसी के पोर्ट्रेट्स बना, हम देखते हैं कि सफ़ावेद और ऑटोमन स्कूल्स ऑफ पेंटिंग की तरफ इंक्लिनेशन हमें ईजिली यहाँ पर देखने को मिलता है। तो एक हाईली डॉक्यूमेंट्री नेचर पोर्ट्रेट्स का मतलब उसको इसको ऐसा था कि नैरेटिव की तरह उसको डॉक्यूमेंट कर सके, उसको रिकॉर्ड कर सके, उस स्टाइल में ये बना जाता था। और ये सिंगुलरली जो है वो एशियन इस्लामिक आर्ट में और मुगल आर्ट इन इंडिया में डेवलप हो पाया। मतलब ये डॉक्यूमेंट्री नेचर पोर्ट्रेट का, देखिए पोर्ट्रेट बनाना ऐसे बैठा हुआ है, हम ऐसे पोर्ट्रेट देते जैसे मोनालिजा एक पोर्ट्रेट है, लेकिन पोर्ट्रेट्स किस तरीके से बना, उनको कोई एक्टिविटी करते हुए पोर्ट्रे करना और इस तरीके से वो जो पोर्ट्रे करना होता है जिसमें हम उनकी कोई एक्टिविटी को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, मतलब एक इम्पॉर्टेंट सोर्स की तरह, वो चीज़ जो है वो एशियन इस्लामिक आर्ट मतलब यू नो मिडल ईस्टर्न, सफ़ावेद, ईरानियन, पर्शियन, वो चीज़ हमें यहाँ पर यूनिक दिखती है। तो सदर्न इंडिया के रीजन में मतलब विंध्या माउंटेन रेंज जो है, जो थोड़े से सेंट्रल इंडिया में विंध्या माउंटेन रेंजेस आप लोकेट कर सकते हैं मैप पर जाके, उसके साउथ वाले साइड में एक बहुत ही एंडियरिंग स्कूल ऑफ पेंटिंग डेवलप हुआ जो कि डिस्टिंक्ट था, स्ट्रॉन्ग था और वो बहुत सारे सुल्तान्स ऑफ डेक्कन के अंडर फ्लरिश हुआ। तो जो डेक्कन के अलग अलग सुल्तान थे उनके अंडर ये फ्लरिश हुआ 16th से 17th सेंचुरीज के बीच में। ओके, तो बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर के जो किंगडम्स हैं वो बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड और डिस्टिंक्ट स्कूल ऑफ कोर्ट पेंटिंग बने। तो इसकी यूनिक सेंशुअलिटी जो है, इंटेंस ब्राइट विविड कलर्स और रीजनल एस्थेटिक्स की तरफ स्ट्रॉन्ग अफिनिटी, हमें रीजनल इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को, बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस उस तरफ देखने को मिलता है। तो ये चीज़ इसकी बहुत एक फीचर है। ये स्कूल जो है इसमें हमेशा डेंस कंपोजिशन को यू नो वो करें कि एकदम डेंस एंड फुलफिलिंग सा कंपोजिशन करें, एक ऑरा ऑफ रोमांस टाइप क्रिएट कर सके जो कि यू नो अपने आप को ही एक्सप्लेन कर सके जो कि नेचुरल विविड ब्राइट कलर्स में हो। अब जैसे हमने राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग में बूंदी, कोटा, जयपुर पढ़े, इसमें हम मेजरली तीन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला है अहमदनगर स्कूल ऑफ पेंटिंग। सो अर्लीस्ट एग्जाम्पल जो है डेक्कनी पेंटिंग का वो वॉल्यूम ऑफ पोएम्स में, मतलब पोएम्स लिखी गई हैं और यू नो उसमें
देखिए मतलब जो ये जो जैसे कि हुसैन निज़ाम शाह वन थे अहमदनगर के, जिनका रूल था 1553 से 1565 तक, तो उनके रूल के टाइम पे जो पोएम्स हुई थी उसी पोएम्स का इलस्ट्रेशन जो है वो हमें सबसे अर्लीस्ट एग्जांपल उसमें हमें डेकनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग का दिखता है। तो इसमें जो 12 मिनिएचर्स जो है उसमें से बहुत सारी तो है ना बैटल सीन्स को बताती है जिसका कोई आर्टिस्टिक इंटरेस्ट एज इन नहीं दिखता है, लेकिन इंटरेस्टिंगली जहाँ पर भी क्वीन उसकी मैरिज और उनको बताते हैं तो उसमें यू नो गॉर्जियस से कलर्स सेंट्रस नाइज इन सभी का यूज़ किया गया है। और जो विमेन इसमें रिप्रेजेंट करी गई है वो मतलब एक नॉर्दर्न ट्रेडिशन को बिलोंग करती हुई है जो कि स्पेशली मालवा में और अहमदाबाद में इस पीरियड में फ्लरिश हुई थी। तो जो विमेन पेंटिंग्स में अहमदनगर की है वो एक नॉर्दर्न कॉस्ट्यूम पहनते हैं, मतलब वो है देखिए डेक्कनी पेंटिंग लेकिन अभी इतना प्रोमिनेंट क्योंकि ये एक स्टाइल नहीं डेवलप हो पाया है, तो ये नॉर्दर्न कॉस्ट्यूम पहन रहे हैं जैसे कि चोली यू नो एंड उनकी लंबी लंबी चोटियाँ हैं जो कि टैसल में एंड हो रही है, जैसे कि हम देखते हैं कि यू नो टैसल पहन के जैसे नॉर्दर्न साइड में पहनते हैं। तो एक लॉन्ग स्कार्फ जो है जो उनकी बॉडी के बिलो उनके हिप्स पे पास आउट कर रहा है, सिर्फ ये जो है ये एक सदर्न फैशन का वो है जो कि लिपाक्षी फ्रेस्कोस में हमें देखने को मिलता है। तो ये देखिए हम नॉर्दर्न और साथ में एक एलिमेंट सदर्न का इसमें डाल दिया है। जो कलर पैलेट है वो नॉर्दर्न मैन्युस्क्रिप्ट से बहुत डिफरेंट है, ठीक है, जैसे कि जो मुगल एटेलियर सारा है उसके कंपैरिजन में जो कलर्स यहाँ पे यूज़ करे हुए हैं वो बहुत ही डिफरेंट है, वो और ज़्यादा रिच है, ब्रिलियंट है, ब्राइट है, विविड है इन कंपेयर टू मुगल एटेलियर, क्योंकि ज़्यादा सब्ड्यूड और फिनेस वाले कलर्स थे। तो डेक्कन की जो पेंटिंग्स हैं उसमें यू नो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि एक सर्क्यूलर होराइजन है, गोल्ड स्काई है जिसमें यू नो पर्शियन इन्फ्लुएंस जो हमें देखने को मिलता है। तो हम ये देख सकते हैं कि सारे डेक्कनी किंगडम्स जो है वो पर्शिया को मतलब उनका लैंडस्केप वाला जो पार्ट है वो तो कहीं ना कहीं पर्शिया से ही उनको मिलता है। ये पहले देखिए तारीफ़ी हुसैन शही, ठीक है, दिस इज़ किंग सिटिंग ऑन द थ्रोन अहमदनगर 1565 से 1569, दिस इज़ इन द कलेक्शन ऑफ भारत इतिहास संशोधका मंडल पूना। ओके, तो हम यह देख सकते हैं कि ये कितनी एक अलग ही टाइप की यू नो अर्लीस्ट फेज में जो बनाई गई है वो है। ये जो फेमिनिन ड्रेस है, ठीक है, ये जो फेमिनिन ड्रेस है ये रागमाला पेंटिंग्स की एक सीरीज को प्रेजेंट करती है और सबसे मूविंग और स्ट्राइकिंग एग्जांपल है डेक्कन स्कूल ऑफ पेंटिंग का 16 सेंचुरी की ये जो पेंटिंग है। जो विमेन की हेयर है वो यू नो जो रागमाला पेंटिंग्स की बात कर रहे हैं हम, जो रागमाला पेंटिंग्स में यहाँ पर है आई थिंक इसमें एग्जाम्पल नहीं दिया उन्होंने एक पेंटिंग का, ठीक है, लेकिन रागमाला पेंटिंग्स में जो विमेन है उनके बालों को एक बन की तरह बांधा हुआ है यू नो उनके गले के साइड में, सिमिलर जैसे कि लिपाक्षी म्यूरियल्स में हमने को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगेन हमें एक रागमाला पेंटिंग्स में यहाँ से और ज़्यादा हमें थोड़े से सदर्न इन्फ्लुएंस दिखने लगा है। जो होराइजन है पेंटिंग का वो मतलब यू नो डिसअपियर होकर और न्यूट्रल कलर ग्राउंड के साथ जो कि यू नो ऑल ओवर पैटर्न है, स्मॉल स्टाइलाइज प्लांट्स वगैरह हमें देखने को मिलते हैं, सिमेट्रिकल आर्किटेक्चर, डोम्स वगैरह ये सब चीज़ें जो है वो उसके साथ मिल जाता है। वो ये सारे फीचर्स जो है हेयर स्टाइल को छोड़ के ये सभी में नॉर्थ इंडिया या पर्शिया का इन्फ्लुएंस है। तो सिर्फ रागमाला पेंटिंग जो है उसकी सिर्फ बन वाला जो पार्ट है वो सिर्फ सदर्न इंडियन है, बाकी सब नॉर्थ इंडियन और पर्शियन है। जो मेल कॉस्ट्यूम है वो भी बहुत ज़्यादा नॉर्दर्न है, जो जामा पहनते हैं उसमें पॉइंटेड टेल्स है वो फ्रीक्वेंटली हमें अकबर के मिनिएचर्स में देखते हैं कि अकबर भी इसी टाइप के जामा और वो पहनते थे, और दिल्ली और अहमदाबाद के बीच में ही कहीं ये जामा जो वो पहनते थे वो ओरिजिनेट हुई है। जो छोटी पगड़ी है वो भी अकबर के जो मिनिएचर्स है उससे क्लोजली रिजेंबल करती है, मतलब ये भी एक नॉर्दर्न इन्फ्लुएंस है। जो ओरिजिनल पेंटिंग्स हैं गुलिस्तान में 1567 की उनको यू नो आर्ट हिस्टोरियन बुखारा को एट्रीब्यूट करा हुआ है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ऐसे पेंटर्स आर्टिस्ट जो है उन्होंने डेक्कन में काम तो किया होगा, तो यू नो एक अब मैन्यूस्क्रिप्ट है बांकीपुर लाइब्रेरी पटना के कलेक्शन में, उसको एक स्क्राइब ने साइन करा जिसका नाम है यूसुफ, और उसको डेडिकेट करा उन्होंने इब्राहिम आदिल 1569 ईयर में। तो ये प्रिज्यूमली जो है मतलब शायद इसको माना जा रहा है कि ये इब्राहिम कुतुब शाह है गोलकोंडा के, जिन्होंने 1550 से 1580 तक रूल करा है। तो ये मैन्यूस्क्रिप्ट जो है इसमें 7 मिनिएचर्स है जो कि कम्प्लीटली मतलब यू नो बुखारा ईडियम ऑफ द डेट, मतलब कि बुखारा आर्टिस्ट को ये उसको एट्रीब्यूट करते हुए लग रहे हैं। एक और मैं आपको बात बता, जो कि डेक्कन स्कूल है ना इसमें आपको आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगे। अभी हमने राजस्थानी मुगल जो पढ़े, पहाड़ी जो भी हम आगे पढ़ेंगे सभी में आर्टिस्ट का मेंशन होता है, लेकिन इसमें कहीं भी आर्टिस्ट का मेंशन हमें नहीं मिलता। बीजापुर स्कूल ऑफ पेंटिंग, बीजापुर से जो पेंटिंग्स आई है ये डेक्कन की है 16 सेंचुरी में, उनका एक
एक बहुत ही मतलब उनकी एक रिचली इलुस्ट्रेटेड इंसाइक्लोपीडिया जिसको कहते हैं नुजूम अल उलूम, उसकी डेट है 1570। पूरी चीज़ें जो अभी तक हम सब पढ़ रहे हैं, एक एक वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट। तो उसमें 876 मिनिएचर्स हैं, जिसमें यू नो बहुत कम लिटिल वॉल्यूम और बहुत ज़्यादा यू नो इलुस्ट्रेशंस हैं, वेपन्स हैं, यूटेंसिल्स हैं, और जैसे कॉन्स्टलेशंस वगैरह है। जो विमेन है उसमें वो साउथ इंडियन ड्रेस में बताई गई है, लंबी है, पतली सी बताई गई है, जैसी रागमाला पेंटिंग्स में है। जो स्कूल ऑफ बीजापुर है उसको अली आदिल शाह वन ने पेट्रनाइज कराया 1558 से 1580 के बीच में, और उनके सक्सेसर इब्राहिम टू 1580 से 1627। तो दोनों जो थे, अली आदिल शाह और इब्राहिम टू जो थे, दोनों ही इनकी वजह से स्कूल ऑफ बीजापुर काफ़ी फ्लरिश हुआ, क्योंकि दोनों ही आर्ट और लिटरेचर के अच्छे पेट्रंस थे। इब्राहिम टू जो थे उन्होंने यू नो वो एक नॉरस नामा बुक के ऑथर भी थे, और वो नुजुम उल अल अलूम के ओनर थे, ठीक है। जो उन्होंने कमीशन करी होगी, मतलब उन्होंने लिखी नहीं पर कमीशन करी होगी, और जो रागमाला सीरीज है 1590s के उसके भी, ठीक है। एंड इन सब के तो बीजापुर का एक क्लोज कनेक्शन था टर्की के साथ, और नुजूम अल उलूम में जो एस्ट्रोनॉमिकल इलस्ट्रेशन बताए गए ना, जो तारे और एस्ट्रोनॉमी और प्लैनेट्स और इन सब से लेकर, ये जो है वो हमें ऑटोमन टर्किश मैन्यूस्क्रिप्ट से डिराइव दिखता है। मतलब बीजापुर का कलेक्शन जो था वो जैसे अहमदनगर का पर्शिया से था, वैसे बीजापुर टर्की के बहुत क्लोज है, उसका टर्की का बहुत इन्फ्लुएंस था। जो रागमाला है, जैसे हमने देखी थी जो रागमाला बीजापुर की है, उनके वो मतलब यू नो उसके लेपाक्षी स्टाइल की वजह से, जो कपड़ों में या बन में है, उस तरफ से वो इंडियन है। बाकी उसमें बहुत कुछ है वो टर्किश हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो जैसे द थ्रोन ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है वो एक सिंबॉलिक डायग्राम है एक ऑस्पिशियस थ्रोन का, जिसको 7 स्टेजेस में डिवाइड किया, और हर स्टेज जो है वो डिफरेंट इनहेबिटेंट्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे एलिफेंट्स, टाइगर्स, पाम ट्रीज, पीकॉक्स, प्रिमिटिव ट्राइब्स। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो वुड, कार्व डोर, ये सब गुजराती होम्स का हमें दिखाता है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये जो डेक्कन के टेम्पल्स हैं उनको भी रिजेंबल कर सकता है। तो इस पेज पे जो कलरिंग है वो इस्लामिक पर्शियन ट्रेडिशन में कलर की गई है, स्पेशली द आरबिस्क्यूज ऑन द टॉप ऑफ द थ्रोन। तो हम देखते हैं कि ये एक डेक्कनी फॉलिएज से सराउंडेड है, और बहुत ही अमेजिंगली डीप ब्लू स्काई है, स्टाइलाइज प्लांट्स है दोनों साइड पे, और जो मार्जिन डेकोरेशन है वो गुजराती मैनुस्क्रिप्ट, मतलब यू नो उसमें है, जैसे कि जो डेकोरेशन मार्जिन है, जो आउटलाइन है, वो भी गुजराती मैनुस्क्रिप्ट की जैसे है, जो कि अर्ली 16 सेंचुरीज की हम कह सकते हैं। तो हम एक स्ट्रॉन्ग इंडियन विजुअल ट्रेडिशन इन स्ट्रक्चर्स में देख सकते हैं मिनियन में। ऐसा नहीं कि डेक्कनी पूरी तरीके से जो है वो टर्किश या पर्शियन ऐसे ही थे। तो यहाँ पर एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये नुजूम अल उलूम की द थ्रोन ऑफ प्रॉस्पेरिटी बीजापुर 1570, ये अभी चेस्टर बीटी लाइब्रेरी डब्लिन के आयरलैंड के कलेक्शन में। तो इसमें देखिए 7 स्टेजेस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 स्टेजेस है, उसके ऊपर ये थ्रोन बना हुआ है। एंड ये हम देख सकते हैं कि अलग अलग स्टेज में अलग अलग फिगर्स बनाए हुए, किसी में एलिफेंट्स हैं, टाइगर्स हैं, कुछ ट्राइब्स हैं, कुछ मिनिस्टर्स हैं, मतलब अलग अलग लोग मिलके इस थ्रोन को सपोर्ट कर रहे, सभी मिला के एम्परर बना रहे हैं। और इसके ऊपर ये हमें लीज, ये जो दिख रहा है ये भी एक पर्शियन डेकनी इस तरीके से इन्फ्लुएंस हमें यहाँ पर दिख रहा है। स्काई बिल्कुल डीप ब्लू कलर में है, ये स्टाइलाइज प्लांट्स दिख रहे हैं हमें यहाँ पर। तो जिस तरीके से वुड कार्विंग है दरवाजे पे और ये सब बनाया हुआ है, ये डिज़ाइन बनाया, ये बहुत कुछ हमें गुजराती या ऐसे ही दिख रही है, नॉर्थ इंडियन दिख रही है। ओके एक और अभी हम पढ़ेंगे, एक और डेक्कनी पेंटिंग है बीजापुर की, जो है योगिनी, बीजापुर 17 सेंचुरी की, ये अगेन चेस्टर बीटी लाइब्रेरी डब्लिन आयरलैंड के कलेक्शन में है। इसमें योगिनी एक वो योगिनी वो होता है जो योगा में बिलीव करता है, ठीक है। तो वो एक फिजिकल और इमोशनल ट्रेनिंग, एक डिसिप्लिन लाइफ जीता है, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन को कहते हैं योगिनी, योगी योगिनी हम जानते हैं इन लोगों को, और वर्ल्डली अटैचमेंट्स को रिनाउंस करके इन सभी को छोड़ के अपने इमोशन, फिजिकल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल इन सभी पे ध्यान देता है। लेकिन ऐसा एक एटीट्यूड इतना यूजुअल नहीं था, तो इस वजह से ये पेंटिंग बनाना, ये प्रैक्टिस करना, ये बहुत ही अब जाकर तो फिर भी ये बहुत कॉमन हो गई है, उस टाइम पर पहले तो ये और भी ज़्यादा अनयूजुअल थी। तो ये वर्क जो है ऑफ कोर्स, जैसे मैंने आपको बताया डेक्कनी में हमें बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट के नाम नहीं देखने को मिलते हैं, तो हमें आर्टिस्ट के बारे में कोई इसमें नाम नहीं है, उनके बारे में कुछ पता नहीं है। यहाँ पर ये नोट करना है कि आर्टिस्ट जो है वो एक वर्टिकल कॉम्पोजिशन प्रेफर करता है, जहाँ पे योगिनी का जो लॉन्ग स्टैंडिंग फिगर है उसको हम वाइट स्ट्रक्चर्स पीछे देखिए यहाँ पे उसके साथ, और यू नो
एक एक विजुअल नोट में टेपर करते हुए, मतलब कैसे ये इन सबसे दूर है, इस तरीके से एक सिंबलिज्म की तरह बताया है। योगिनी जो है उसके हाथ पे, ऑफकोर्स देखिए यहाँ पर एक बर्ड बैठी हुई, जैसे कि वो उस बर्ड से बातें कर रही है, मैना बर्ड से जैसे कॉन्वर्जेशन में इस तरीके से बैठी हुई है। तो योगिनी जो है उसके हाथों में, और इसमें ज्वेलरी है, हेयर बन जो है वो लंबे देखिए यहाँ पर बन है, और उसके बाल जो लंबे वो है, ये जो लॉन्ग सा स्कार्फ है उसके आसपास, ये आप देख सकते हैं, ये सब एक रिदमिक सर्कल की तरह उसके बॉडी के आसपास है। फ्लोरा फौना आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर है। तो ये स्टाइलाइजेशन और एक एस्थेटिक कंपोजिशन हम यहाँ पर मेकआउट इसका कर सकते हैं योगिनी का। हमारा नेक्स्ट या और लास्ट स्कूल ऑफ पेंटिंग इस चैप्टर के लिए है गोलकोंडा स्कूल ऑफ पेंटिंग। देखिए गोलकोंडा 1512 में एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना, और 16 सेंचुरी के एंड तक ये वन ऑफ दी वेल्दीएस्ट डेक्कन किंगडम्स था, सबसे अमीर था, क्योंकि ईस्ट कोस्ट वगैरह से इसका ट्रेड बहुत बड़ा होता था, बहुत बड़े लेवल पे होता था, और आयरन कॉटन गुड्स वगैरह साउथ ईस्ट एशिया में शिप करे जाते थे। तो गोलकोंडा बहुत वेल्दी था, तो एक्सपेंसिव ट्रेड जो था वो पर्शिया के साथ कंटिन्यू रहा, और यूरोप में ठीक है ये पेंटेड कॉटन जो है ये यूरोप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। तो 17 सेंचुरी के शुरुआत में डायमंड्स डिस्कवर हुए, जो कि यू नो सोर्स ऑफ रेवेन्यू, मतलब गोलकोंडा में, जो कि अगेन इसने सोर्स ऑफ रेवेन्यू को बढ़ा दिया। तो गोलकोंडा के जितने भी पेंटिंग्स और विजुअल्स हैं वो हमें गोल्ड ज्वेलरी, जो कि यू नो दोनों मैन एंड वुमेन दोनों पहनते हैं, उस तरफ हमारा अटेंशन ड्रॉ करते हैं, उसकी वेल्दीनेस को दिखाते हैं ठीक है। और इसलिए जो थीम्स थी गोलकोंडा पेंटिंग्स की, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा फेम पॉपुलैरिटी गेन करी। गोलकोंडा का जो आर्ट था, सबसे पहले डच मर्चेंट्स की वजह से, यू नो डच मर्चेंट्स क्या करते थे कि सुल्तान्स के पोर्ट्रेट्स वगैरह यूरोप ले जाते थे, और उससे वो पॉपुलर हुआ। तो ये करते थे क्या कि जो बाजार था उनका प्रेफरेंस था रॉयल पेंटिंग्स के लिए। तो अर्लीस्ट गोलकोंडा पेंटिंग जो है वो डेटेड है 1635 से 1650 के बीच में, जहाँ पर 8 फीट लंबी तक की पेंटिंग्स बनाई जाती थी, क्योंकि पेंटिंग्स को वॉल हैंगिंग्स के जैसे यूज़ और डेकोरेट किया जाता था। तो इन पेंटिंग्स को बहुत ही सुंदर पिक्टोरियल डिज़ाइंस और फिगर्स और आर्किटेक्चरल सेटिंग्स वगैरह इस तरीके से उनको दिखाया जाता था। तो ये 8-8 फीट लंबी पेंटिंग्स भी बनाई गई, जैसे ये है डांसिंग बिफोर मोहम्मद कुतुब कुली कुतुब शाह गोलकोंडा 1590, अभी ब्रिटिश म्यूजियम लंदन यूके के कलेक्शन में। सबसे पहले अर्लीस्ट 5 मिनिएचर्स जो है जो कि गोलकोंडा के उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि ये गोलकोंडा के वर्क है, वो दीवान ऑफ हफीज़ में बाउंड है, उसकी डेट है 1463 ठीक है, दीवान ऑफ हफीज़ में। तो ये पेंटिंग जो है ये कोर्ट सीन्स, एक यंग रूलर के कोर्ट सीन्स को डिपिक्ट करता है, जो कि यू नो सीट पे बैठा हुआ, देखिए जैसे ये यहाँ पर ऐसे एक बहुत लंबी सी स्ट्रेट डेकनी स्वर्ड उसने पकड़ी हुई है देखिए हाथ में, और ये वो हमेशा सेंटर में बनाई है पेंटिंग के। जो प्रिंस है वो वाइट कलर का कोट पहने हुए हैं, और यू नो उसके दोनों हाथों में हम एम्ब्रॉयडरी मतलब देख सकते हैं कि दोनों हाथ यहाँ पर ये जो वो है स्लीव्स है उसमें एम्ब्रॉयडरी सुंदर करी हुई है ठीक है। और जितने भी 5 पेंटेड पेजेस हैं उनको बहुत ही गोल्ड और यू नो उस तरीके से साथ बहुत ज़्यादा डेकोरेट किया है, और स्काई और इस तरीके से मतलब बहुत ही ब्लू डार्क एकदम ब्राइट कलर का स्काई दिखा हुआ है। तो उनके आगे हमें देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पर जैसे कि गर्ल्स जो है वो डांस कर रही है, एंटरटेनमेंट वगैरह हो रहा है यहाँ पर। एक सिमेट्रिकल और अनफंक्शनल आर्किटेक्चर जो है उसके बहुत ज़्यादा मतलब फ्लैट स्क्रीन है, मतलब देखिए ये एक तो सिमेट्रिकल जैसा लग रहा है, ये कितने एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे बने हुए हैं, मतलब यू नो एक 3D इफेक्ट ना देखिए, फ्लैट सा इफेक्ट यहाँ पर हमें देखने को इसका मिल रहा है, बहुत ज़्यादा ओवरलैप नहीं होते हुए दिख रहा है, जितना ओवरलैप होना चाहिए अगर 3D उससे बनता। तो सिमेट्रिकल और जो मतलब जो ग्राउंड है वो भी यू नो बहुत सुंदर सुंदर पैटर्न कारपेट से कवर्ड दिख रहा है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये नोट करना कि जो पेंटिंग है इसमें कहीं भी हमें मुगल इन्फ्लुएंस नहीं दिखता है, यहाँ पर इसके ऊपर पर्पल ह्यू किया हुआ है, और कभी कभी एनिमल्स जो है उनको भी ब्लू बनाया, जैसे कि ब्लू फॉक्सेस भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये पूरी पेंटिंग के ऊपर एक पर्पल ह्यू की उससे कवर किया है। ये एक पोर्ट्रेट है मोहम्मद कुतुब शाह की 1611-1626 से, और जैसे वो दीवान पे बैठते हैं ये उनकी शुरुआती टाइम में जब उनके रूल के, वो टिपिकल गोलकोंडा ड्रेस पहने हुए हैं, एलिगेंट टाइट फिटिंग कैप पहनी हुई है मतलब ऊपर सिर पे। कंपोजिशन ने बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेशन और स्किल यू नो वो करा है, एंड स्ट्रिक्ट सिमेट्री है 1590 पेजेस की, वो भी हमें यहाँ पर स्ट्रिक्ट सी सिमेट्री भी देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत एडिक्वेट रेफरेंस है इस वाले का मुगल पेंटिंग में। यहाँ की आपको ये वाली सेकेंड वाली जो पेंटिंग है ये पोर्ट्रेट उसका, आई थिंक पोर्ट्रेट ऑफ मोहम्मद कुतुब शाह आगे शायद आपकी स्टडी में है ये वाली, आई थिंक दिस इज़ द पोर्ट्रेट, नो सॉरी दिस इज़ नॉट। सो आपको उसका पिक्चर नहीं दिया हुआ है, उसके बारे में सिर्फ आपको बताया हुआ है। ओके
एक ये है, एक मैन्यूस्क्रिप्ट है सूफी पोएम की, एक मैन्यूस्क्रिप्ट है जिसमें यू नो बहुत 20 से भी ज़्यादा मिनिएचर्स देखने को मिलते हैं। गोल्ड को वापस अगेन बहुत फ्रीली यहाँ पर यूज़ करा हुआ है। एक पेक्यूलियर फीचर जो है वो है स्काइज़ के कलरिंग में, स्काइज़ को गोल्ड में और ब्लू के साथ कलर हुआ है, अलग कलर करा है अलग अलग बैंड्स में। जो मेन विमेन के कॉस्ट्यूम्स हैं वो भी इब्राहिम टू जो बीजापुर के, उनके अंडर का फैशन सेंस दिखाते हैं, मतलब बीजापुर में जैसा फैशन सेंस था। जो ट्रीज़ है लैंडस्केप में वो भी डेकनी टाइप के ही है, ट्रीज़ है जो पेड़ वहाँ मिलते हैं, और बहुत ही रिचली कलर्ड है, इनके टिंटेड एज है। प्लांट्स जो है उनको सिल्वेट किया गया है, मतलब एक 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 तरीके से सिल्वेट की जैसे बनाया गया है। बहुत ही डार्क सा एक वो है फीचर्स का, और उसके आगे ऐसे प्लांट्स बनाए हुए हैं जिस जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट डेकनी फीचर है कि प्लांट्स को सिल्वेट की तरह बनाना। तो ये हम और भी देख सकते हैं कि टॉल वुमेन स्पीकिंग टू द बर्ड, ये वाली जैसे इसमें भी एक ये नो डार्क कलर का वो है, और इसके आगे प्लांट्स को एक सिल्वेट की तरह बनाया गया है। पोएट इन अ गार्डन, मोहम्मद अली गोलकोंडा, 1605 to 1615, म्यूजियम ऑफ फाइनेंस, बॉस्टन, USA। विद दिस द चैप्टर इज ओवर। अब हम आते हैं हमारी स्टडीज़ पे। अगर आपको स्टडीज़ को लर्न करने का बहुत ही अच्छा, आई मीन आई एम रियली टेलिंग यू, इट्स अ वेरी वेरी गुड टेक्निक, आप जिससे स्टडीज़ बहुत क्विकली एंड बहुत ही कॉन्क्रीटली लर्न कर सकते हैं, उसके लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ चेकआउट कर सकते हैं। मैंने उसमें राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग के वीडियोज़ में एक्सप्लेन करा है, उसके पार्ट थ्री में, कि हाउ शुड यू नो कैसे करना चाहिए। पार्ट वन और पार्ट टू और पार्ट थ्री दोनों में से दोनों वीडियोज़ में एक्सप्लेन करा है मैंने। तो डू चेक दैम आउट ऑन माई चैनल, एंड आई एम टेलिंग यू इफ़ यू यूज़ दैट मेथड, आपके आंसर लिखने का तरीका, आपके लर्न करने का तरीका विल बी वेरी मच बेटर फॉर स्टडीज ऑफ द पेंटिंग। ठीक है, अब ये कॉम्पोजिट हॉर्स है, ये पेंटिंग जो है क्यूरियस मिक्स है बहुत सारे आर्टिस्टिक डिवाइसेस का, इसमें यूज़ किया गया है, और इसका नाम है कॉम्पोजिट हॉर्स। ये पेंटिंग जो है इसमें ह्यूमन फिगर्स जो है वो इस तरीके से दिख रहे हैं कि जैसे एक एक्स्ट्रॉर्डनरी फॉर्म में, मतलब सभी एक दूसरे में ऐसे मिले हुए इस तरीके से शेप में, कि ऐसा लग रहा है कि ये घोड़ा बना हुआ है जो कि घोड़ा उछल रहा है, चल रहा है, और पूरा बैकग्राउंड जो है उसको भी बहुत इस तरीके से डेकोरेट किया है, हम देख सकते हैं। फ्लाइंग क्रेन्स, ये देखिए फ्लाइंग क्रेन्स, लायंस, क्रीचर्स, चाइनीज क्लाउड्स, प्लांट्स, बड़े बड़े पत्तों के साथ प्लांट्स, ये देखिए, एंड पता नहीं इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें बनाई गई है, एंड ये सब जो एक सरियल सा एलिमेंट बताता है। ये गोलकोंडा की पेंटिंग है जो कि अर्ली 17th century की है। जब सब कुछ एयरी और फ्लाइंग सा अपीयर कर रहा है, द आईज़ जो है वो दो कॉर्नर बॉटम ऑफ द पेंटिंग में, जिनका जो रॉकी माउंटेन्स हैं, रॉकी फॉर्मुलेशंस हैं, वो ये दिखाता है कि मतलब कहने का मतलब, अगर आप सिर्फ इतने पार्ट ऑफ पेंटिंग को देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे हवा में ये घोड़ा उड़ रहा है, पर जब आप इस पे देखते हैं, ये जो कॉर्नर में हमारी आंखें आईज जब इस पे फॉल होती है, जब हम देखते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि अच्छा ये ग्राउंड पे है, क्योंकि यहाँ पर ये हमें पत्थर जो है यहाँ से दिख रहे हैं। ओके, तो हमें एक डिसलोकेशन ऑफ सेंस इस वजह से होता है कि ये क्या हवा में है, कि ग्राउंड पे है, ये क्या है, ये एक मेमोरेबल विजुअल एक्सपीरियंस इस वजह से ये पेंटिंग वाले जितने भी एक्शंस हो रहे हैं वो लिमिटेड कलर स्कीम में ही हो रहे हैं, और ज़्यादातर शेड्स ऑफ ब्राउन, ब्लू, ग्रीन, इसी के उसमें हमें देखने को मिल रहे हैं। हमारी नेक्स्ट स्टडी है सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह टू हॉकिंग। ये एक पेंटिंग है, एक्स्ट्रॉर्डनरी एनर्जी और सेंसिबिलिटी की। इस पेंटिंग को देखते से एकदम लग रहा है, ब्रिलियंट रेड है घोड़े के लिम्स में, हम देख सकते हैं बहुत ही ब्रिलियंट रेड कलर से खड़ा हुआ है उसकी टेल के, उसमें भी फ्लोइंग गारमेंट है सुल्तान का, गारमेंट जो है वो भी एक विजुअल एक्सपीरियंस, मतलब एक नैरेटिव की तरह फॉर्म होता है। ठीक है, जो इसके अलावा डार्क डेंस फॉरेस्ट है, डीप ऑलिव ग्रीन कलर से, एम्ब्रल्ड ग्रीन, कोबाल्ट ब्लू, क्रेन्स, मतलब इस तरीके से ये सब क्रेन्स देखिए कितने ब्लू और ब्यूटीफुल कलर्स में बनाए हुए हैं बैकग्राउंड में। जो स्काई है वो गोल्डन ब्लू कलर का स्काई, इस तरीके यहाँ पर ब्लू वाइट गोल्डन इस तरीके से स्काई पूरा बनाया हुआ है, एंड पेंटिंग उसकी नैरेटिव बहुत ही एक एक्सपीरियंस एक बात में है। और फिर हमारा ये वाइट कलर का हॉक हमें यहाँ पर दिखता है सुल्तान के हाथ में, जिसमें और सुल्तान का फेस बहुत ही डेलिकेटली यहाँ पर पोर्ट्रे करा गया है, तो इसमें हमें पर्शियन इन्फ्लुएंस दिखता है, जिस तरीके से रॉक्स को या घोड़े को बनाया है इसमें बहुत क्लियरली पर्शियन इन्फ्लुएंस दिखता है। जो प्लांट्स है, जो डेंस लैंडस्केप है, वो नेटिव इंस्पिरेशन है, वो हमारा इंडिजीनियस है। ओके, जो हॉर्स गैलप कर रहा है वो एक एनर्जी जनरेट करता है, मतलब वो एक स्टिल को एक नैरेटिव में बनाता है, जैसे मूविंग पिक्चर की तरह बना देता है। ठीक है, तो ये पेंटिंग जो है वो करंटली इंस्टीट्यूट ऑफ द पीपल्स ऑफ एशिया, अकेडमी ऑफ साइंसेज, लेनिनग्राड, रशिया के कलेक्शन में है। हमारी नेक्स्ट आई थिंक नेक्स्ट है, ये सेकेंड लास्ट आई थिंक, इसके बाद नहीं, थ्री और है, फोर और है, यस,
फोर और पेंटिंग्स हैं। इसके बाद हमारी हमारी नेक्स्ट है रागिनी पठमसिका ऑफ राग हिंडोला। रागमाला पेंटिंग है ये, जिसमें यू नो रागिनी है पठमसिका और राग है राग हिंडोला की रागिनी पठमसिका। तो ये जो है वो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली के कलेक्शन में है। इसका नाम है रागिनी पठमसिका ऑफ राग हिंडोला। एक इंपॉर्टेंट मेंबर है रागमाला फैमिली की इंडियन म्यूजिकल मोड में अगर हम देखें, हम रागों के बारे में आपको पता हो तो, जो कि अराउंड 1590 से 1595 को डेट करती है। कुछ स्कॉलर्स है जो कि उसको मानते कि ये बीजापुर के हैं, जो कि डेक्कन का एक इंपॉर्टेंट स्टेट है। तो ऐसा माना जाता है कि ये रागिनी पठमसिका जो ये बीजापुर की है। ये पेंटिंग जो है वो डेक्कनी स्टेट में मतलब बहुत ज़्यादा यू नो पेंटिंग जो है मतलब ये जो स्टाइल है बहुत ही हाईली इन्फ्लुएंस है डेक्कनी से, लेकिन मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग के साथ भी डेवलपमेंट के साथ साइमल्टेनियस रहा है। मतलब डेक्कनी स्कूल का डेवलपमेंट और मुगल स्कूल का डेवलपमेंट, पर्शियन इन्फ्लुएंस बहुत ही ऑब्वियसली हमें पेंटिंग में दिख रहा है। ये सीन हमें इसमें देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है यू नो, और जिस तरीके से दोनों डोम्स जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से ये रहे हैं, और जहाँ पर देवनागरी स्क्रिप्ट में यहाँ पर देखिए डोम्स और ये पिलर, ये डोम्स जिस तरीके से बनाए हुए हैं एंड देवनागरी स्क्रिप्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। दो ब्यूटिफुली ड्रेस्ड और यू नो एकदम हैवी जूल्स पहनी हुई विमेन हैं जो हमें यहाँ पर पेविलियन में दिख रही हैं। थर्ड जो है वो आउटसाइड इट है, मतलब देखिए दो जो है वो तो पेविलियन में बैठी है और तीसरी जो है वो पेविलियन के बाहर यहाँ पर हमें दिख रही है। जो सेंट्रली प्लेस्ड फीमेल वो एक म्यूजिशियन है जो कि यू नो इंडियन इंस्ट्रूमेंट पे बजा रही है, जो कि वीणा जैसा लग रहा है, और द अदर जो है वो भी वो ऐसा लग रहा है कि इसको मतलब वो ऐसे इस तरीके से अपनी बॉडी मूव करके इसमें रिदम में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है। कलर्स बहुत ही वाइब्रेंट यूज़ किए हैं, रेड डोमिनेंट है, उसको ग्रीन के साथ पीछे देखिए यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट किया गया है। फिगर्स जो है वो भी एक सेंस में स्टाइलाइज करा हुआ है कि उनकी फिजियोलॉजी, उनका फेस जो है उसको बिल्कुल यू नो अलग से डिटेल्स में बनाया गया है। मतलब इसको बहुत ही ब्यूटीफाई और स्टाइलाइज किया गया है। तो जितने भी फॉर्म्स है वो डीपली एम्फेसाइज मतलब पेंटिंग्स ऑफ अजंता इसमें भी हमें दिख रहा है जो कि सेंचुरीज है वो है। तो जो भी फॉर्म्स हैं उनको डार्क लाइंस के साथ एम्फेसाइज किया है, जो कि ये फीचर डार्क लाइंस के साथ आउटलाइन करना जो है वो अजंता का एक फीचर है। तो यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि डार्क एलिफेंट है लेफ्ट हैंड कॉर्नर में, जो अपनी ट्रंक ऊपर उठा के वो करे एक डिलाइटफुल खुशी का साइन जैसे वेलकम करते हुए। तो भले ही वो एलिफेंट का साइज बहुत छोटा है, ये विजुअल इंटरेस्ट बताता है और आपकी टेक्टोनिक स्ट्रक्चरिंग को मतलब ब्रेक करता है कि ये इतना सा हाथी ये क्या मतलब एक विजुअल सेंस को ये करेस्पॉन्ड नहीं करता है। हमारी नेक्स्ट पेंटिंग है सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह। ये एक इंपॉर्टेंट पोर्ट्रेट है सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के, ये बीजापुर के और अभी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली के कलेक्शन में है। ये एक इंस्क्रिप्शन इसके ऊपर यू नो पर्शियन में लिखा हुआ है। सुल्तान कुतुब शाह जो थे वो बहुत ही फेमस रूलर थे डेक्कनी स्टेट बीजापुर के, और उन बहुत सारे स्कॉलर्स और आर्टिस्ट जो थे उनके अंडर में काम करते थे। यहाँ पर वो बैठे हुए अपनी थ्रोन पे बैठे हुए और यहाँ पर वो अपने एक हाथ में स्वर्ड पकड़े हुए हैं, जो कि उनकी पॉलिटिकल सोवरेनिटी मतलब उनकी यू नो पावर को दिखा रहा है। और इसके अलावा एक हमें ह्यालो यहाँ पर बैठा दिख रहा है जो कि उनकी डिविनिटी को शो कर रहा है, एक डिवाइन लेजिटिमेसी इसको मिल रही है। हमारी नेक्स्ट पेंटिंग है हजरत इंसान, और यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं बॉर्डर्स जो बैकग्राउंड है वो भी थोड़ा डार्क है, प्लेन सा है, उनके कपड़े भी थोड़े ब्राइट और इस तरीके से। हमारी नेक्स्ट पेंटिंग है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो। ये एक प्रोविंशियल पेंटिंग है, ये अभी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली के कलेक्शन में है। ये हैदराबाद से है डेक्कन। ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एक बहुत ही रिस्पेक्टेड सूफी सेंट है 13th century के। वो जो है वो बैठ कर अपने एक यू नो डिसाइपल हज़रत अमीर खुसरो से गाना सुने, मतलब उनके डिसाइपल है हज़रत अमीर खुसरो, वो एक इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं और ये जो शेख है मतलब निज़ाम है ये बैठ के उसको सुन रहे हैं। अमीर खुसरो बहुत ही अगेन रिनाउंड इंडियन पोएट थे, स्कॉलर थे, उनकी कव्वाली आज भी निज़ामुद्दीन औलिया के उसमें गाई जाती है, उनकी दरगाह में गाई जाती है, ठीक है। तो जो पूरे वर्ल्ड से डेविटीज़ आते हैं इनकी दरगाह में मिलने के लिए। और यू नो ये पेंटिंग में हम अब देख सकते हैं कि नैरेटिव बहुत ही पॉपुलर चार्मिंग सा प्लेन नैरेटिव है। पीछे हमें एक ट्री दिख रहा है, कुछ स्टेप्स दिख रहे हैं मतलब वो ऊपर बैठे हुए हैं, यहाँ पर हमें एक बुक दिख रही है और हम देख सकते हैं कि कैसे निज़ामुद्दीन औलिया के पीछे ख्यालो बनाए हुए, उनके कपड़े डिफरेंट हमें दिख रहे हैं, कैसे बैठने का स्टाइल है वो अलग दिख रहा है। फीचर्स में बहुत क्लियरली अलग समझ में आ रहा है कि ये निज़ामुद्दीन है और ये अमीर खुसरो है। इसके आसपास ब्यूटीफुली देखिए यहाँ पे कुछ फ्लावर्स हैं, गार्डन्स हैं, बहुत ही सिंपल एंड ब्यूटीफुल सा यहाँ पे कॉम्पोजिशन हमें बैकग्राउंड में दिख रहा है। चांद बीबी पेइंग पोलो, ये पेंटिंग जो है वो चांद बीबी की है। चांद बीबी जो है वो बीजापुर की क्वीन थी और वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस और कल्चरली रिफाइंड डेक्कनी स्टेट है बीजापुर।
वेल्थीएस्ट जो है वो रिमेंबर इट्स गोलकोंडा। ओके, चांद बीबी जो है, अकबर ने बहुत बार बीजापुर के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन चांद बीबी ने हमेशा उनको कभी भी जीतने नहीं दिया और अकबर को रेजिस्ट करते रहे। तो रूलर बहुत ही रिस्पेक्टेड और अकम्प्लिश्ड रूलर मानी जाती थी। और इसका डायरेक्ट कंपैरिजन होता है चौगान प्लेयर्स, जो कि हम राजस्थानी स्कूल में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर वो चौगान खेल रही हैं, जो कि इक्वेस्ट्रियन पोलो का एक नाम है। इक्वेस्ट्रियन पोलो मतलब घोड़े के ऊपर बैठ के जो पोलो खेला जाता है। पेंटिंग जो है वो देखिए, हम देख सकते हैं नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली के कलेक्शन में है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, ऊपर और नीचे जो है वो पर्शियन में वो लिखी गई है, इंस्क्रिप्शन कुछ हमें लिखा हुआ दिख सकता है। एंड इसके बाद ये देखिए यहाँ पे कुछ लेक जैसा हमें दिख रहा है, ये क्रेन्स बैठी हुई है, माउंड्स और ये ग्राउंड को किस तरीके से डिवाइड किया। देखिए ये ग्राउंड कितना चौड़ा है, ये मैक्सिमम स्पेस ले रहा है, और ये ऊपर ऊपर के जो टाउन और ये वाली पार्टी, ये धीरे धीरे करके कम स्पेस देती जा रही है। स्काई क्लियर, बिल्कुल यू नो सिंपल सॉलिड ब्लू है, ऊपर सन दिख रहा है। एंड ये वो है जो उनको वो दे रही है, इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं। और ये चारों जो है वो इसमें 5 figures हैं, चौगान प्लेयर्स में आई थिंक 6 figures थे, इसमें 5 figures हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, उसमें से इसमें 4 घोड़े पे बैठे, उसमें 6 to 6 घोड़े पे बैठे, और सबकी स्टिक जो है वो ऐसे गोल उसके आसपास है। सो विद दिस आर चैप्टर डेकिनी स्कूल ऑफ पेंटिंग इज़ ओवर।